सी स्टैंड एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम सी स्टैंड एनर्जी थ्योरी क्या है, इसकी मैंने आपको डेफिनेशन लिख दी है, ठीक है ना। किंग थ्योरी, इसका दूसरा नाम क्या नाम है, डिस्टोर्शन थ्योरी भी है, ठीक है, इसे डिस्टोर्शन थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, इसकी मैंने डेफिनेशन लिखा, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी द फेलियर ऑक्योर वहन द शेयर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, शेयर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन स्ट्रेस मैटेरियल रीच द वॉल्यूम इज इक्वल टू अ शेयर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट अ इलास्टिक लिमिट। शेयर स्ट्रेन एनर्जी वॉल्यूम पर यूनिट इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेन एनर्जी इन अ इलास्टिक लिमिट, मतलब मैक्सिमम एनर्जी जहाँ तक वो हमारा रजिस्ट कर सकता है, ठीक है। चलिए इसका फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी का, और चलिए लिखते हैं 1/2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का स्क्वायर, ठीक है, एंड लेस देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर वाई, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर वाई। ये हमारा है, क्या नाम है, नो फेलियर कंडीशन, ठीक है। अब हम फॉर डिजाइन पर्पस के लिए हम इसका क्या नाम फॉर्मूला लिखते हैं, 1/2 फॉर डिजाइन पर्पस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये नो फेलियर कंडीशन पे, ये फॉर डिजाइन कंडीशन, ठीक है, नो फेलियर कंडीशन पे, ये है डिजाइन कंडीशन पे, ठीक है। अब इसका मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इलिप्स, ठीक है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इलिप्स, सिग्मा 1 सिग्मा 2, ठीक है, लेफ्ट इलिप्स इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है।